जयमसी की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 43 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 43। आइए देखते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगी, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें यीशु मसीह हमें प्रेम के विषय की बातें समझा रहे हैं और समझाते हुए कह रहे हैं कि देखो, तुम अपने पुरखों के दिनों से ये बातें सुनते हुए आए। कौन सी बातें? कहता है कि तुम ये बात सुनते आए हो कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। कहता है तुम अपने पुरखों के दिनों से ये शिक्षाएं लेते आए हो कि तुम अपने पड़ोस वालों से प्रेम रखना और अपने दुश्मनों से दुश्मनी रखना। कहता है ये तुम सीखते और ऐसा करते आए हो, लेकिन कहता है मैं तुमसे कहता कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कहता है तुम अपने पुरखों के दिनों से सुनते हुए आए हो कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर, लेकिन कहता है देख मैं तुमसे कहता हूं। कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी यह आज्ञा है कि तुम अपने बैरी से प्रेम करो, दुश्मन से प्रेम करो, और जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हें दुख देते, तकलीफ देते, पीड़ा देते, कहता उनके लिए प्रार्थना किया। कहता है अगर तू ऐसा काम करे तो ऐसा करने से तू अपने स्वर्गीय पिता की संतान कहलाएगा। ऐसा करने से तू अपने स्वर्गीय पिता की संतान कहलाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो वचन में कहता है क्योंकि वह भले और बुरे दोनों के ऊपर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर मेह बरसाता है। क्योंकि जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है वह धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर मेह बरसाता है, वह भले बुरे दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? अगर तुम अपने प्रेम करने वालों से ही सिर्फ प्रेम करते हो तो तुम्हारे लिए क्या प्रतिफल होगा? कहता कोई प्रतिफल नहीं अगर तुमसे जो प्रेम करता है तुम उसी से प्रेम रखोगे। कहता है तुम्हारे लिए कोई फल नहीं होगा। क्या ऐसा महसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते? कहता है तुम मुझे बताओ, क्या महसूल लेने वाले यानी पाप करने वाले बुरे लोग ऐसा काम नहीं करते कि जितने लोग उनसे प्रेम करते हैं उनसे वो भी प्रेम करते? कहता है कि यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति लोग ऐसा नहीं करते? कहता है तुम मेरी बातों को सुनो कि अगर तुम अपने सिर्फ भाई को ही नमस्कार करते हो, अपने जान पहचान के लोगों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बढ़िया और बड़ा काम करते हो? कौन सा बढ़िया और बड़ा काम करते हो? कहता है कि क्या अन्य जाति के लोग ऐसा नहीं करते कि वह अपने सगे संबंधित को ही नमस्कार करते, बाकी अन्यथा किसी को नहीं करते? कहता ऐसा काम अन्य जाति के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते क्या नहीं करते?
कहता है इसलिए मैं तुमसे समझाता हूँ, इसलिए मैं तुमको समझाता हूँ, तुमसे कहता हूँ कि तुम क्या करो कि तुम सिद्ध बनो, ऐसा सिद्ध कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर विश्व का वचन बताता है कि तुम सिद्ध बनो, किसके समान? अपने स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध बनो, क्योंकि वो भले बुरे दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता, धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर बारिश करता, पक्षपात नहीं करता, उसके प्रेम में कोई घटी नहीं। इसीलिए वह कहता है कि तुम क्या करो कि उस परमेश्वर के समान बनो, क्योंकि तुम अपने पुरखों के दिनों से ये काम करते आए हो कि तुम बैरियों से, यानी अपने बैरियों से बैर रखो और अपने पड़ोसियों से प्रेम। लेकिन यीशु कहता है मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने शतानी वालों के लिए प्रार्थना करो, तब तुम स्वर्गीय पिता की संतान है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, हर एक से प्रेम करो, हर एक के ऊपर दया प्रकट करो, हर एक की भलाई करो, चाहे वह दुश्मन हो चाहे मित्र। जरूर है कि ऐसा करने से परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए और विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में अनोना चमत्कार करे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक तेरा धन्यवाद महिमा करता है। सुराजा तेरे नाम में प्रार्थना करता है। पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंता हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, हर एक के जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, हर एक को छू और हर एक को चंगा कर, ताकि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानियां, प्रभु यीशु तेरे नाम में वह खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। हे परमेश्वर, इनके ऊपर अपनी भारी दया, भारी करुणा को बरसा, ताकि इनके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने भी प्रार्थना सुन रहे हैं, हे परमेश्वर, आज पूरे दिन ये आशीषित होने पाए, ये जहां जाए जिस काम में जाए प्रभु आज आशीष पाए, इस आशीष के द्वारा इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई तंत्र मंत्र हो तो सारे तंत्र मंत्र के बंधन टूट जाए, कोई दुष्ट आत्मा, सैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा का प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार इस प्रार्थना को सुन रहे अभी प्रभु तेरा स्पर्श होने पाए, उन्हें यीशु के नाम से स्पर्श हो जाए, ताकि उनके जीवन की सारी बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हे परमेश्वर, तेरे नाम से वह दुष्ट आत्माएं निकल जाए, यीशु के नाम में दोबारा दिखाई न देने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो घटी है उसे भर दे, जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिल जाए, जिसके पास नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा आधा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुने, हर एक के ऊपर तेरी दया उतरने पाए, हर एक के ऊपर तेरी दया उतरने पाए। ली परिगर महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की आशीष इनके ऊपर आने पाए और इनके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, समस्या है, बीमारी है, नष्ट हो जाए। हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए, घर का विवाद समाप्त होने पाए, पति पत्नी के बीच का विवाद समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे अभी प्रभु तेरा स्पर्श हो, ओ प्रभु हर एक के ऊपर तेरी आशीष छोड़ता हो, हर एक के ऊपर आशीष छोड़ता, रिसीव कर लो आशीष को, रिसीव करो आशीष को। जिसके शरीर के जिस अंग में दर्द है उस दर्द अभी निकल रहा है, वह दर्द अभी निकल रहा है, वह दर्द अभी निकल रहा है, खाज खुजलिया जा रही है, खाज खुजलिया जा रही है। ली बरिंदे शिखर अबंद लबसिंदे लेरी। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जिसके सीने में दर्द हो निकल रहा है, सीने में दर्द हो निकल रहा है, वो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता अपने भारी आशीषों के द्वारा ढाल, ताकि इनके शरीर में जो भी दुख, जो भी तकलीफ, जो भी बीमारियां यीशु के नाम से चला जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे, ताकि हर कोई आत्मा में भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाई हुई चलने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।